हेलो 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 पानी के लिए परेशान सचिवालय वार्डस के सलामी जोड़ी ग्राउंड पर आईआरडी के गेंदबाज राइट आर्म ओवर द कट गेंद करेंगे बैट्समैन को आईआरडी 11 सागर कुमार और पवन असवाल इस्लामी जोड़ी के रूप में पवन जयसवाल असवाल पवन रैथवान और सागर कुमार के रूप में सलामी छोड़ी खाता खोलते हुए स्कोर 2 रन लाइट स्टंप के बाहर ये बॉल व्हाइट बॉल का इशारा स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर लिए हुए सुंदरलाल बरवार थोड़ा बहुत मौसम का पूरा साथ मिलता हुआ आज हवाओं का सुंदर रुख ग्राउंड के आसपास यूकेलिप्टस के एक खूबसूरत पेड़ उनके बीच सुंदर हरा भरा ये ग्राउंड खूबसूरत लोकेशन मैच होता सचिवालय वॉरियर्स और आईआरडी 11 के बीच में इसमें कि सागर कुमार सामना करते हुए सुंदरलाल का बैक टू द बॉलर खेलते हुए स्कोर 3 रन पहला ओवर प्रगति पर पावर प्ले 1 चलता हुआ बॉल हवा में और ये अच्छा ट्राई किया था क्षेत्ररक्षक ने चिपक जाती थी ये विकेट के रूप में जाता मिस टाइम किया बल्लेबाज ने बॉल गई थी डाउन पर अभी
टॉस जीता सचिवालय वॉरियर्स ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी बॉल पीठ के इस बॉल पर तो एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 4 रन बिना किसी नुकसान के। अभिजीत अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे, 5 मैचों पर 3 विकेटें अपने नाम पर की, 1/18 बेस्ट है इनका, 1 विकेट लेकर 18 रन देकर 1 विकेट बेस्ट परफॉर्मेंस अभिजीत का है। ऑपरेशन के बाहर ये बॉल रन आता हुआ व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर करते हुए स्कोर 7 रन 200 प्रगति पर। अच्छी बॉल पुश किया से शॉर्ट कवर पर बॉल गई, शॉर्ट मिड ऑफ पर गेंदबाजी करते हुए अभिजीत, इनका नाम ही अभिजीत हो जिनको कोई जीत ना सके वो अभिजीत। अच्छा शॉट लेकिन फील्डर मौजूद अराउंड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी करते हुए। अच्छी बॉल बीट किया इस बॉल पर जहां छा पर खाओ जाने दिया विकेट कीपर के स्वच्छ दस्तानों में। दो ओवर करते हुए अभिजीत व्हाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त आते हुए लगातार अभी मात्र 2 ओवर प्रगति पर। अच्छा शॉट था, रन लेना चाहते थे, थोड़ा सा मिस फील्ड हुई लेकिन साथी खिलाड़ी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ओवर की समाप्ति मैंने
खूबसूरत स्टेप ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव लगाते बल्लेबाज, बॉल सीमा रखे एक बार चार रनों के लिए। सबसे सेफ जोन है ग्राउंड का, ये किसी भी फील्डर को हिलने का मौका नहीं दिया उन्होंने। स्कोर 12 रन। अच्छी बॉल, गेंदबाज ही बीट करते हुए। संडे मंडे वहाँ चले जाते कहीं उसमें कहीं चले गए ऊपर अच्छी बॉल अपील करते हुए सुंदरलाल परार। इस समय गेंदबाजी कर अपने कोटे का 200 ओवर करते हुए, मात्र 7 रन तक दिया उन्होंने। अभी तक 5 रन बनाकर खेलते हुए 7 गेंदों का सामना किया है सागर ने। रन छुराते हुए दिशा दी बॉल को। सचिवालय वॉरियर्स के जो कप्तान हैं राकेश मेहर, जैसे कि उनके बारे में अभी एक सूचना प्राप्त हुई कि उन्होंने पहले संन्यास की घोषणा कर दी थी लेकिन वापसी की है ग्राउंड पर। शायद विनोद दिस जी भी खेल रहे हैं तो उनको देखकर एक जो अंदर से एक फीलिंग होती है वो पनपती है उसके उनके अंदर, और वापसी की उन्होंने और जैसे ही उन्होंने वापसी की 25 गेंदों पर 52 रनों की उन्होंने आकर्षक पारी भी खेली राकेश मेहर जी ने। सूचना उनके बारे में अभी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने 25 गेंदों पर 52 रनों की आकर्षक पारी खेली है जिसमें कि और उनको देखते हुए पवन असवाल जो है उन्होंने भी अपने संन्यास की घोषणा को वापस लिया है, कम बैक किया है। और दोनों ही खिलाड़ी पहले रिटायर्ड हर्ट की घोषणा कर चुके थे, संन्यास ले लिया था उन्होंने, लेकिन एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को बूस्टअप करते हुए हौसला बढ़ाते हुए वापसी किए दोनों ही खिलाड़ियों ने ग्राउंड पर। आप देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं पवन असवाल और राकेश मेहर की कप्तान अपनी टीम के, और उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं मेरे बगल में बैठे हुए इस प्रतियोगिता के संयोजक आयोजक।
विनोद देव जी। अच्छी बॉल वेट करते हुए अभिजीत। स्कोर है 15 रन। लेग स्टंप के बाहर ही बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा। डिपार्टमेंटल ये मैच होते हुए हिमालय कप का ये दूसरा सेशन, जो पहला सेशन हुआ था वो दूर एकेडमी कुआवाला में आयोजित की गई थी। फिजिकल एजुकेशन ने की टीम ने वो मैच जीता था। पूरी प्रतियोगिता में काफी बढ़िया खेली थी फिजिकल एजुकेशन और प्रतियोगिता को जीता था उन्होंने। देखना इस प्रतियोगिता को कौन जीतता है। इसमें 28 टीमें अब तक प्रतिभाग कर रही है। इसमें आज ये प्रतियोगिता का है चौथा दिन। और सातवां मैच है अच्छा शॉट फील्डर के बीट करते हुए जाती बॉल। स्कोर चौथा ओवर प्रगति पर है। स्कोर है 17-19 रन। चौथा ओवर प्रगति पर है। अच्छी पार्टनरशिप देते हैं दोनों ही बल्लेबाज। काफी बढ़िया शॉट, बॉल गई सीधे स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की ओर। फील्डर फील्ड करते एक और रन आता है स्कोर पर। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। चार ओवर की समाप्ति पर ये बता पहचान में क्यों नहीं आ रहे। दूर से ना सबके टी शर्ट सेम लग रही, अलग अलग, और फिर वो लग रही कि बैटिंग कर रहे हो एक ग्राउंड दिलाओ है नहीं छोड़ो रहा नहीं दूर हो गया आउटसाइड हो गया आउटसाइड बड़े बड़े आउटसाइड क्या ग्राउंड आउट साइड ही होते हैं। ये गुना के नहीं क्या सब ये दूसरा गिलास नहीं है इन्हीं दिन गिलास है तो लीज पे तो 10-11 साल के दर बात ऐसे होंगे। बस हम लोग नहीं जाते बाहर के ना, जो यहाँ रहते हैं एक एक महीने तक रहे हम, घर भी नहीं आए बच्चों को देखने। वहाँ को तो खूब बोले लेकिन देर तो नहीं चाहिए, कोई पैसा राशन पैन भी नहीं होना तो नहीं को दिक्कत में भेजो दिल को। भाई साहब चुनाव टाइम है बोल दो बोल हमारा बुक का।
बड़ा शॉट, बॉल सीधे चार रनों के लिए, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। स्कोर चौबीस पर, पांच ओवर प्रगति पर। तो ये खिलाड़ी दो होगा तुम्हारा, पानी वाला पिलाने वाला मतलब साथ ही एक को भेज दो, दारू को लेता आपने उधर भागना था। अच्छा बॉल, अच्छी वापसी करते हुए। अब कला जो बचा होता और खराब हुआ, और मैंने खराब नहीं होगा, अब आपको सही चीज दी है, गला सही करने की। अब मतलब ठंडी चीज खाओ ना तब नहीं होगा, तो मुझे आप गर्म भी खाना, अब ठंडी पियो तुम शाम को, ठंडी आइसक्रीम खाओ। सुनो अभी शाम को जाते हैं, बर्फ वाली आइसक्रीम खा लेना दो, पता लगा बेटा बचा हुआ साथ में। भाई साहब आवाज ही नहीं आ रही है आपको, अच्छा बॉल, काफी गति से निकालते, बहुत भाग्यशाली रहे बैट्समैन पवन। तो पांच ओवर की समाप्ति, स्कोर है 24 रन सचिवालय वॉरियर्स का स्कोर। लैंगस्टन के बाहर है बॉल, वाइड बॉल का सारा एक अधिक तनाता हुआ स्कोर 26 रन, छठा ओवर प्रगति पर।
जब मैं पता लगे कि आप चल जाओ नहीं। हाँ भाई फोन कर रहा था, बहन चल बहुत से फोन फोन कर गया उस टाइम बिल के चक्कर में। अरे तो मैंने बिल तो देना ही था बहन, तो बिल नहीं करना क्या डिस्काउंट। मैंने कहा आगे आगे हवा में चलती है आप 1500 रुपये का 800 में लगा रखा तुम्हारे लिए। सब ये सिरूम है। अच्छी बॉल, बैक टू द बॉल खेला उसे। बहुत ही अच्छा शॉट, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन योर बाउंड्री की ओर जाती बॉल, फटाफट फीड करते एक और रन आता। वो है काफी ग्रासी फील्ड है। स्कोर 27 रन। अच्छी पार्टनरशिप मिलती हुई। एक और रन, छोर परिवर्तन किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्लीलेग पॉइंट पर बॉल जाती हुई। बॉल कर दिया इस बॉल पर। खेलना चाहते थे, मिस टाइम कर गए बॉल को। ऐसे ऐसे पहली सफलता मिलती हुई। आईआरडी के गेंदबाजों को इस तरह से पहला झटका लगता हुआ 28 के योग पर सागर कुमार के रूप में। सागर कुमार जिन्होंने की 15 गेंदों का सामना किया और 8 रनों का योगदान दिया, जिसमें एक बाउंड्री उन्होंने अपने नाम पे अर्जित की। इस तरीके से आने वाले बल्लेबाज मनोज सनवाल जिन्होंने 13 मैचों में 201 रन बनाए हैं और 62 सर्वश्रेष्ठ इनका स्कोर। इस तरीके से पहला झटका लगता हुआ सागर कुमार के रूप में, इसको 28 पर एक, छठा ओवर प्रगति पर। एक और रन आता हुआ स्कोर पर। उन्होंने छोर परिवर्तन करते हुए स्कोर तो इसको 8वां ओवर प्रगति पर। सचिवालय वॉरियर्स को उनके जो कप्तान है राकेश मेहर उनका से, और ये कैच ड्रॉप होता हुआ। काफी तेज शॉट थी, अच्छा प्रयास था गेंदबाज का। रविंद्र किसी भी तेज गेंदबाज को बॉल रोकनी काफी टफ होती है, काफी तेज शॉट आता है और एक तेज गेंदबाज को तो खासकर अपने आप पर बैलेंस बनाना पड़ता है। स्टेप आउट करके खेला गया शॉट, रन आउट हो सकते थे, रन आउट हो सकते थे। सचिवालय बॉलर्स को थोड़ा सा रन गति को भी बढ़ाना पड़ेगा।
आईआरडीई की टीम भी काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग टीम पहला मैच खेल रही है दोनों इस पर अपना पहला मैच खेल रही है दोनों टीमें बढ़िया हिट बाव सीधे डीप स्क्वायर लग डाउन के बाहर चार रन मेरी बेबे ना कराई कम करदा अपनी सरदार दी तू सरदार नहीं है निका जैलदार तेरे उत्ते मरदा स्कोर 40 पर दो तेजी से इजाफा होता है स्कोर पर जितेंद्र सिंह 5 रन पर बल्लेबाजी करते हुए अभी अभी आए खेलने के लिए बैट का बाहरी किनारा लेकर पॉइंट पे खड़े क्षेत्र रक्षक के पास अच्छी बॉल और ऐसी हवा चलती रही तो क्रिकेट का खेलने का तो अलग ही मजा है इस मौसम में हवा चल रही है और जो इसकी लोकेशन हाइट का काफ़ी फर्क पड़ता है लोकेशन का काफ़ी फर्क पड़ता है और जून मई के महीनों में ये मैच हो रहे हैं आयोजन मंडली में तो बहुत बड़े संयोजक हैं इस प्रतियोगिता के मुख्य सूत्रधार करता धरता विनोद बिष्ट कुछ आपसी गुफ्तगू करते हुए मंत्रणा करते आपस पर यूकेलिप्टस के जो खूबसूरत ग्राउंड जो खूबसूरत पेड़ है उसके सामने खड़े हैं है सब टीमों लगभग वैसे ही मोदी फिट एंड फाइन आगे दोबारा फॉलिंग कराने अंकल ही तो काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है और सचिवालय की जो टीम है पूरी तरीके से संघर्ष कर रही है इस समय 43/5 है लेकिन फाइटिंग स्पीड देती हुई और एक विनोद जी की टीम थी उन्होंने भी कल परसों काफी फाइटिंग स्पीड दिखाई 23/5 थे और 70 रन तक उस स्कोर को खींचा हालांकि वो 30 रन से मैच को हारे 39 रन से लेकिन फाइटिंग स्पीड उनके उनके अंदर भी कूट कूट के भरा हुआ है और वही फाइटिंग स्पीड उन्होंने दिखाते हुए लगातार ये तीसरा कप है जिसमें दो हिमालयन कप और एक टाइटन कप देहरादून में होने के द्वारा आयोजित करवाए गए डिपार्टमेंटल जो आप ये प्रतियोगिता देख रहे हैं व्हाट अ शॉट और ये तो चक्का दे रहे बॉल जिसमें कि 28 टीम है प्रतिभाग कर रही है टोटल 28 टीम टोटल प्रतिभाग कर रही है प्रतियोगिता में ये चांस बन सकता था काफी अच्छी गेम थी ये अशोक वेडवाल की इससे पहले हैट्रिक ले चुके हैं अभी भी 11 और प्रगति पर 48/5 स्कोर अच्छी बॉल अच्छा शॉट बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 6 रनों के लिए
विद बाउंड्री के बाहर, स्कोर 54 रन पर 5 विकेट, 54। व्हाट अ शॉट। विनोद कैसा लग रहा है मैच देखते हुए, और दोनों ही मैच आपने देखे, क्या कहना चाहेंगे सचिवालय के जो बैट्समैन खेल रहे हैं? शायद उनका मूड नहीं है कह रहे हैं, अभी थोड़ा सा जो भोजन है उसके आने की प्रतीक्षा में है, जैसे भोजन आएगा उसके बाद वो फिर चार्ज बैटरी होगी उनके, और उसके बाद वो फिर हमारे साथ वार्तालाप करेंगे, क्योंकि एक दिन में लगातार 52 किलोमीटर का ट्रैवल करना आसान भी नहीं है, और इस एज में जहां आदमी घर पे बैठता है वो 52 किलोमीटर रोज स्कूटी से आते जाते रहते हैं, तो ये अपने आप को फिट रखने का प्रयास है उनका। स्टेप आउट करके खेला गया शॉट, फील्डर जज नहीं कर पाए इस बॉल को, तो फिल्डर फील्ड करते दो रन पूरे किए। को तीन नंबर यार, मेरे साथ अनु है, अनूप अच्छे खिलाड़ी हैं, खेलते भी हैं, कैमरा पर्सन भी हैं, और चिंग चुंग चुंग चिंग चुंग चौंग पिंग, ये हमारे कैमरामैन असम से लाहौर से। और ये हमारे जो स्कोरर हैं, ये तो स्पेशली हैदराबाद से आ रखे हैं, हैदराबाद की बिरयानी, हैदराबाद के नवाब, और ये आदिल। अच्छी बॉल पोस्ट किया, एक रन आता है स्कोर पर, और जो हमारे साउंड सिस्टम पे है इशू ठाकुर, ये हमारे भाई और है साउंड सिस्टम पर, और आपके भाई बैक साइड में गेंदबाजी कर रहे हैं वाईपी सिंह, बॉलिंग करते हुए सिंह, इशू जो इनका साउंड सिस्टम है टाइफून है इनके डीजे का। अच्छी बॉल बीट किया, ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति, इसको 58-5। ग्राउंड में भी तो होता है, एक स्टूडियो भी होता है, जब बाहर जाते तो हर मैच में ट्रेन का ये तो स्टूडियो होता है, अच्छा वहां है तो वहीं होगा, लग रहा है मेरा यार ये सब मुंबई होगा तो नहीं होगा ऐसा होगा, ग्राउंड में छोटे वाला जो बड़े होते हैं उनमें थोड़े होते हैं, ग्राउंड मैं वहीं बैठूंगा, मुझे स्टूडियो होता है, वो सेटिंग पे डिपेंड करेगा आपकी सेटिंग किससे है, आपकी सेटिंग इनसे उनसे जो चैनल आपको हायर करेगा आप वहाँ जाओ, कैमरा तक बढ़ गया है, हाँ तुम पापों में बैठे हैं, हाँ
तुम पाओ के बैठे तुम कुटी बैठे कैमरा दिखना रहे ओके बेटा डायरेक्शन फील्ड बढ़ गया भाई ना दीवाला गुना ना दीवाला फील्ड हो गया सही पूरा कैसे है ना दीवाला कि ना दीवाला अच्छा बॉल था और ये स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास था एक और विकेट टिकाता है सुनील मेडवाल के नाम पर चौथा विकेट अपने नाम पर करता है सुनील मेडवाल तेरे नाल मिलाइया अखियां भुल गई होश जमाने दी नैणा विचों पिया कर तेनू की लोड़ मैं खाने दी तेनू की लोड़ मैं खाने दी मैं कली का छली मरा पैर जे अखदा वे उड़ता काला सिरे आला तेरे बाला जचदा वे जोड़ी एनी सोनी नहीं होनी जग ताही मचदा वे इसमें स्टंप आउट तो होना नहीं था शॉट पड़ता सीधा बाहर जाता बॉल आती हुई फील्ड करते जब तक लॉन्ग ऑफ पर एक और रन आता स्कोर पर फायदा नहीं उठा पाए अशोक वेडवाल वास्तव में काफी चतुर गेंदबाज हालांकि उन्होंने नो बॉल की थी फ्री हिट का उतना फायदा नहीं उठा पाए अच्छे गेंदबाज हैं अब तक हैट्रिक भी ले चुके हैं और टोटल चार विकेट अपने नाम पर खींचे जिसमें कि एक हैट्रिक उनके नाम पर आईआरडी की टीम काफी फिट सभी खिलाड़ी चुस्त दुरुस्त और अपनी उम्र को मात देते हुए अशोक वेडवाल अच्छे खिलाड़ी एक जो भी खिलाड़ियों को देख रहा हूं तो सीख सकता है बॉल सीधे सीमा रह गई बाहर छह रन के लिए स्ट्रेट लगा बाउंड्री के पास स्ट्रेट शॉट ही बॉलर के ऊपर से नॉक शॉट ही छह रन के लिए स्कोर सब सब कुछ है YouTube पे नहीं YouTube में नहीं आते ऐप में आते हैं क्रिकेट ऐप पे लाइव आता है उसमें ना तो 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं स्कोर है 67-6 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं और इसी तरीके से रन बनाते रहे तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 103 का 263 लोग टोटल इसके व्यूज हैं 263 कैमरा भी घूम गया अपना भी वार्म अप करेगा आधा और पहले से
बहुत टफ भाई, बहुत टफ। नहीं शूज का ना बहुत टफ, गरम रखो वो ज्यादा सुबह से चल रहा होगा, गरम रखो। गेंदबाजी के लिए आए हैं देवीलाल, अपने कोठे का तीसरा ओवर लिए हुए, एक विकेट इन्होंने अपने नाम पर किए, 6 रन देकर सेकंड स्पेल पाए हैं। फर्स्ट स्पेल काफी अच्छा किया था देवीलाल ने, मात्र 7 ओवर इस इनिंग के शेष। गड्डी काली है काली पर चिट्टे चिट्टे तो इश्क थोड़ा कौड़ा है कौड़ा पर मिठे। एक और विकेट गिरता हुआ, इसको 68 पर 7, 14 ओवर पर करीब 69/7। अच्छा बॉल, बहुत हवाई में बॉल था, अपील करते हुए कोई असर नहीं अंपायर पर। स्कोर 70/7। बोल्ड कर दिया, काले रंग दी मोटे पैग डोल दिया, जट्टा नु भी रही कोई होश ना, लोक मेरी देख के वे दूरों मत्था टेक दे वे, आपे मरी जांदे मेरा दोष ना, एदे विच माना मेरा दोष ना। तू नियाणे आ जा बन के माना दीनो, गड्डी काली है काली पर चिट्टे चिट्टे तो इश्क थोड़ा कौड़ा है कौड़ा पर मिठे मिठे तो। कल तो पीछे कल उसमें हवा लगी
अबे तो पता आज ये पिच क्यों रही है वाइट बॉल इसके बाद तो पिच तैयार होगी वो देखना और करना है इधर वाला करेंगे जिसमें हमने फर्स्ट ओवर में इस वाली में घास ज्यादा है ओवर कद वे नहीं कद ओवर है नहीं जो फर्स्ट पहला मैच होता था ना उसमें तो सारी घास उड़ गई उन्होंने वो चला है ना घास काटने के लिए ओवर भाई 13 ओवर अच्छी बॉल थी जो पहली विकेट की पार्टनरशिप थी वो काफी बढ़िया थी दूसरे विकेट की पार्टनर तीसरे विकेट की जो पार्टनरशिप थी कोई भी पार्टनरशिप ज्यादा दे नहीं पाया और सेकंड विकेट की जो पार्टनर थी 28 रन की थी उसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे अच्छी बॉल तेज गति से निकालते हुए अपनी गेंद तेज गति से बीट करते हुए बहत्तर बना रहे हैं स्कोर स्टार्टिंग में बोलते जल्दी जल्दी रन चलते हैं सारे प्लेयर हैं बैटिंग बेच हूं ये जानो मैं सब फिट है अच्छी बॉल बीट किया है ना बाबा ले जाने तो स्टार्टिंग में जाते हैं और मैं उसके बाद तो सारे पुराने प्लेयर हैं स्कोर है 72-8 15 ओवर प्रगति पर ऐसे ही खेलते रहे तो 100 तक चले जाएगा स्कोर आज 100 तक भी जाता है स्कोर तो अच्छा स्कोर कहेंगे फाइटिंग फाइट हो सकती है इस पिच पर और ये बात विनोद बिजी ज्यादा कौन जानता होगा ये 111 रन पर फाइटिंग हो सकती है स्कोर स्थिर 72-8 और ये एक और विकेट नंबर 9 स्कोर 72 पर 8-9 अंतिम जोड़े ग्राउंड पर 15 ओवर की प्रगति पर स्कोर है 73-9 15 ओवर की समाप्ति पर
बजे तक तो खींच लेंगे। स्कोर 73 for 9, 15 ओवर की समाप्ति पर। पर सुनी गया नहीं MDD वाला सलवल टेक कवर, सलवल टेक कवर। गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजी करते हुए देवीलाल रन आउट हो सकते हैं। ये मात्र 73 पर ऑल आउट होते हुए 74 रन का टारगेट दे रखा है इन्होंने। तुरी फिर दी शरीफा वगरा गैरा दे बड़े चिशन काके
क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वही उम्र भर रहूंगा बस वही उम्र भर है कितनी हंसी है मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं इरादा है लगता
उम्र दी
होली लड़ी तू ही मच गेरा चल यार
दिल मेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दिल में आज हम कहा सारे गया मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूँ पहली दफा दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नजर से ही यारा दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नजर से ही यारा इश्क की है साजिश हुआ मेरे हम दोबारा दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नजर से ही पहली नजर से ही खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है मेरा देखो ना मेरी है हैसियत पूछो तेरे दिल कितने जैसे सवाल है अंजाम
दोनों ही टीमें तैयार हो जाए। आठ मिनट शेष सेकेंड इनिंग शुरू होने के लिए। फील्डिंग टीम भी रेडी रहे। संजय सेन कहीं भी हो प्लीज कमेटी बॉक्स में पहुंचे। यस संजय सेन हैज गॉन ऑन द ग्राउंड गरीडियन। Yaar mera titliya bal ja, yaar mera titliya bal ja, yaar mera titliya bal ja.
अब ऐसे क्यों हो रहा है ये तेरे भाई ये कर रहा था भाई ये ये समझ रही है सीधा सुन कर हेलो सबकी ये एक साल अच्छा बोलो बढ़िया फोटो भी कैमरा भी हम लगे सब कैमरा बैक अभी तो चल रहा है मेरा मेरा एक बार दो कितनी तीन चार बार गिर गया थोड़ा ही पड़ते वैसे पानी में गिरा थोड़ा स्कोर है हेलो स्कोर है 1 रन रविंद्र गुसाई हितेश हैं गेंदबाज जो अपने कोठे का और टीम के लिए 200 ओवर लिए हुए आईआरडी की सलामी जोड़ी विपिन सिंह गुसाई और रविंद्र कंडार के रूप में आपको एक सूचना दे दें रविंद्र खेल रहे हैं समय जैसे उनके खिलाड़ी ने हमको बताया धन्यवाद आपका आपने अपडेट किया है ठीक है
मात्र 74 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए, इसमें कि 3 रन बोर्ड पर 1 रन बनाकर खेल रहे विपिन सिंह गोसाई। कोटे का पहला ओवर लिए वितेश पेवेलियन एंड से। आपको एक जानकारी दे दें, द ऑरेंज रिसॉर्ट्स एंड कैफे द पौंदा में है, सिद्धे भूमि कॉलेज के ठीक सामने पर। वहाँ क्रॉसबो नेशनल एंड प्री नेशनल प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है, आप उसको वहाँ देख सकते हैं। और जो हमारे भोजन की व्यवस्था थी आज की, वो द ऑरेंज रेस्टोरेंट एंड कैफे के जो ओनर हैं उनके द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। जो आपने लाजवाब भोजन जो आपने अभी किया है, उनके जो ओनर हैं और उनके द्वारा जो भोजन व्यवस्था की गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। और आशा करते हैं कि सभी लोगों को आज का जो भोजन है वो पसंद आया होगा। इसी बीच एक शॉट आती हुई, स्कोर इस चौके के साथ। आओ मेरा फेवरेट नी, तू पहा के काला सूट गई, पढ़ के की उठ गई, तू हो क्यों मी उठ गई। आउंदी होंदी तांजरा तो बिना दिखी तोर सी, तांजरा दा शोर सी जा गल कोई होर सी। ओ मैं सी पाया की तो तू लहा के आई है, मैं सी स्कोर 9 रन। रितेश का पहला ओवर महंगा साबित हो, तब तक 8 रन दे चुके हैं। छोटा स्कोर है तो यहाँ विकेट निकालने पड़ेंगे। तेज बॉल था, काफी तेज बॉल, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर ही गेंद। स्कोर बढ़कर पहुंचा 10 रन, मात्र 64 रन की आवश्यकता। सिर्फ यहां विकेट निकालने पड़ेंगे तभी मैच में थोड़ा सा रोमांच आएगा, वरना ये मैच वन साइडेड हो जाएगा। इसी ग्राउंड पर 1-2, 1-0-2, 1-1-1, ये स्कोर डिफेंड हुए हैं इसी ग्राउंड पर। तो असंभव कुछ नहीं, सब कुछ संभव है, और जो असंभव को संभव बना दे वही तो बाजीगर है। कुछ भी इम्पॉसिबल कहता आई एम पॉसिबल, तो जब आई एम पॉसिबल तो दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हो नहीं सकता। इसी बीच एक शॉट आता है, बॉल सीधे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, फील्डर्स के पीछे दौड़ते हुए 4 रन। अलोंग द कार्पेट लाइक ए बुलेट बॉल जाती हुई, जितना तेज बॉल उतना तेज शॉट, बॉल सीमा रखे बाहर 4 रनों के लिए। जरूरत है इस समय अपने आप को बैक करने की। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर है 14 रन, एक सदी भी शुरुआत देते हुए आईआरडी की टीम। स्वामी जोड़ी रविंद्र और विपिन गुसाई के रूप में। हितेश का पहला ओवर काफी महंगा रहा, 13 रन खर्च किए इस ओवर में उन्होंने। अच्छा बॉल था, दिशा दी, बॉल थर्ड स्लिप से बॉल जाती हुई थर्ड मैन की ओर। स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। थ्री डबल टू इसके टोटल व्यूअर्स हैं जो मैच इस समय चल रहा है, और लाइव इसे 14 लोग अभी तक देख रहे हैं। व्हाइट बॉल का सारा क्रिक हीरोज पर आप लाइव स्कोर देख सकते हैं, और क्रिको नेट पर आप इसे लाइव देख सकते हैं। ये हमारे कैमरा पर्सन चिंग चौंगपुंग असम से हमारे बीच में है, ये इनका अभी लैंड हुए। विनोद बिष्ट मैच को देख रहे हैं बिल्कुल बारीकी से, और अभिषेक सिंह जो कि समाज सेवी हैं, बहुत ज्यादा समाज में इनका एक अलग ही रुतबा है, और लगातार समाज के लिए
प्रयासरत रहते हैं। हमारे रहने की व्यवस्था भी इनके द्वारा की गई है, जहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वो सुविधाओं से लैस वो कमरा है, और कोई भी अगर कभी जाए तो उस कमरे में जरूर एक बार। तो तुर हार के आईया है नींदतियां नु होए सी के दिन बंदरा गैरा दे बड़े च छिड़का के आईया है जटदियां बिटियां बड़ा के नादरा गैरा दे बड़े च छिड़का के आईया है जटदियां बिटियां बड़ा के नादरा। मित्र भी हैं तो जो इनकी सेवाएं हैं बड़ी लाजवाब हैं, और एक बार हम चाहेंगे कि विरोध दृश्य भी एक बार उसका लुफ्त उठाए। अब तो तुम को कमल लेगी तब फटर खाएंगे इनको हो जाएगा ठंडा कमल लेंगे ना। अच्छा बोलता है रन आता हुआ। तो अभिषेक सिंह जो इस पूरे प्रतियोगिता में अपना सहयोग दे रहे हैं, नौटियाल क्रिकेट ग्राउंड रामगढ़ नियर चांदनी चौक, इसके इसमें जो अशोक अठहत है उनकी भूमिका है, और इन सबके सूत्रधार हमारे ठीक दाईं ओर बैठे हुए विनोद बेस कुछ मंत्रणा करते गुफ्तगु करते हुए हमारे जो अभिषेक सिंह है उनका कुछ मंत्रणा करते हुए समाज सेवा के साथ साथ राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव अभिषेक सिंह को प्राप्त है, और भविष्य में योजना है कि वो भी शायद जो विधानसभा है विनोद चमोली जी के स्थान पर वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना पूरी पूरी है। और इनके साथ साथ इनके भविष्य की कामना भी करते हैं कि ये कभी हमारे इस क्षेत्र के विधायक बने और समग्र विकास इस पूरे क्षेत्र का उनके द्वारा किया जाए। पहले ही कर रखा बना विनाश करें। इनकी मुस्कुराहट पर कोई भी फिदा हो सकता है। अभिषेक भाई ऐसे मुस्कुराते हैं, जब ये हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी कायनात इनके चेहरे पर हो। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत हेल्पफुल भी हैं, और जो समाज सेवा में होता है वो करते भी हैं। वो हमारे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। और साथ साथ में विनोद जी मैच को देख रहे हैं, लुफ्त ले रहे हैं, हवा भी चल रही है इस गर्मी के साथ साथ ठंड का एहसास भी दिलाते हुए। स्कोर आपको अभी अपडेट कर देते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है आज। स्कोर है 27 रन 3 ओवर की समाप्ति पर, जिसमें कि अब तक इस स्कोर में 13 एक्स्ट्राज हैं, 74 रन को आप डिफेंड कर रहे हो और उसमें 13 रन एक्स्ट्रा हो, तो इससे पता लगता है कि तैयारी थोड़ा रह गई है सचिवालय की, लेकिन अगले मैच में पूरी तैयारी के साथ आएंगे। गर्मी में डर्मी कूल कूल बैठो, अब मैं करूं एक ओवर कर लेते हैं, बैठो तब तक अच्छा बॉल अपील करते हुए कोई असर नहीं अंपायर पर। सचिवालय वॉरियर्स इस समय फील्डिंग करती है मात्र 74 रन पर ऑल आउट, 73 रन पर ऑल आउट हो गया, 74 रन का लक्ष्य उनकी टीम ने दिया है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही कुछ समझ नहीं आई बैट्समैन के बिल्कुल भी।
ऐसा लग रहा था जैसे बॉल विकेटों पे जा लगी हो, लेकिन कुछ अनबने ढंग से खेला उन्होंने, बिल्कुल समझ नहीं आई। जज नहीं कर पाए बिल्कुल भी, बॉल हवा में काफी देर थी तब तक फीड करते दो रन पूरे करते हुए। चौथा ओवर प्रगति पर, और इस तरीके के जो कैच होते हैं उन्हें करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है डायरेक्ट आपकी आंखों पर पड़ती है और जो बॉल हाइट पर काफी हो जिसकी, उसको जज करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी ठीक आंखों पर पड़ती है, तो उसको जज करना बहुत टफ होता है। अपील करते हुए भाग्यशाली रहे, लेग स्टंप की ओर बॉल जा रही थी, काफी हाइट भी बॉल की। हिमालय कप 2022 का ये आज चौथा दिन है और 14 तारीख को फाइनल मैच खेला जाएगा। डे नाइट होने की पूरी संभावना है कि डे नाइट करवाया जाएगा, फाइनल मैच पूरी तैयारी है उसकी। और ये विनोद बिष्ट के द्वारा एक और उपलब्धि होगी कि डे नाइट मैच देखने को मिलेगा। लाजवाब शॉट, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। तो कभी अगर समय लगे तो आप यहां से जिस जगह हम हैं, ये है आपका एक सोले का रामगढ़ था, एक रामगढ़ ये है, फर्क इतना है कि वहां ठाकुर था, ठाकुर नहीं है, गब्बर सिंह का भी पता नहीं। तो कभी अगर आप देहरादून से चले और चक्राता की ओर जा रहे हो तो द ऑरेंज रिसोर्ट एंड कैफे है, एक बार जाएं और वहां एक बार विजिट जरूर करें और एंजॉय जरूर करें। वहां पे सभी चीज की व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी गई हैं, रिसोर्ट भी है, कैफे भी, और जो बार में जाना चाहिए बार पे भी जा सकता है, एक बार विजिट जरूर करें। यहाँ पर द क्रॉसबो नेशनल प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप भी चल रही है, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, जो देखना चाहें वो देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। स्कोर है 34, रन लेना चाहते थे, मिसफील्ड थी, ये रुकनी चाहिए थी बॉल। फील्डिंग क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां बैटिंग भी चाहिए, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी, कीपिंग भी, कहीं एक भी फील्ड में अगर आप थोड़ा सा लूज हो गए तो मैच हाथ निकलने में देर नहीं लगती है। बॉलर के सर के ऊपर से खेला गया शॉट, स्ट्रेट लाइन ऑफ बाउंड्री के बाहर चांस है, किड़ा कट सी नी टाइम पौने से सी आओ देखदा ना होवे कोई आले दाले अख सी उई पक थक सी ता ही मेनू शक सी रू तेरी गंदली करा के आई है, रू तेरी गंदली करा के आई है, नी जाके साफ होनी नी मसीदा मदरा आओ गैरा दे बेड़े च छिड़का के आई है, नी जक दियां दियां बना के चादरा और मेरे साथ में समय है अभिषेक भाई हमारे, जो कि समाज सेवा भी है, समाज सेवी भी हैं और लगातार राजनीति के में भी सक्रिय हैं, और हमारी जो समस्त व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा ही हमें उपलब्ध करवाई जा रही है, उसके लिए हम उनसे तहे दिल से
शुक्रगुजार हैं कि हम पहली बार आपके गृह क्षेत्र पे हैं और जो भी सुविधाएं आप हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम जहाँ भी रहेंगे, जब भी रहेंगे, आपको याद करते जरूर रहेंगे। दिल से आपको ईश्वर से कामना करते हैं कि आप ऐसे ही लगातार राजनीति के शिखर पर, समाज सेवा के स्तर पर आगे जाते रहें। जैसे कि आपने एक जानकारी दी थी कि आप लगातार कैंप वैम्प में लगाते रहते हैं, स्वास्थ्य कैंप। इसी बीच एक विकेट होता हुआ, विकेट नंबर 1 ब्रेक थ्रू, पहला विकेट गिरता हुआ। तो मेरे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक, आप प्रतियोगिता करवा रहे हैं समाज सेवा के साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हैं, दोनों में काफी अंतर है, तो जो आप सामंजस्य से बना पा रहे हैं स्पोर्ट्स के साथ साथ समाज सेवा, ये इंस्पिरेशन जो है वो आपको कहाँ से मिली है? क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा ये है सभी लोगों को कि जितना हम खेलते हैं उतना ही स्वस्थ रहते हैं। और हमारे विनोद भाई जो मेरे क्लासमेट रहे हैं, बचपन से उनका साथ रहा, जब भी हम देहरादून आए, दिल्ली गए, सब साथ में सब चीज़ें, और कहीं दूर भी रहे तो हमेशा फ़ोन पे बातचीत हमारी चलती रहती थी। तो सबसे ज़रूरी तो खेल है। खेल में यह है कि आप जितने स्वस्थ रहोगे उतना ही जीवन आगे अच्छा रहेगा। और मैं स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़ा हूँ, तो वहाँ भी मेरे को टाइम देना पड़ता है। इधर भी जब भी मेरे को समय लगता है तो मैं समय समय पे यहाँ पे भी आता रहता हूँ। बाकी विनोद भाई को इतना अच्छा जो क्रिकेट इन्होंने आयोजन कर रखा है टूर्नामेंट का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बाकी आगे जो भी यहाँ पे मैं रहूँगा, जितना टाइम मुझे मिल पाएगा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, क्रिकेट, मैंने कहा ना क्रिकेट और समाज सेवा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और समय निकालना दोनों चीज़ों के लिए बहुत टफ होता है। जैसे आप बता रहे, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑलरेडी हूँ और स्पोर्ट्स में आप शायद पहली बार कदम रख रहे हैं, तो अनुभव कैसा है? बहुत अलग अनुभव है, क्योंकि क्रिकेट जो है बचपन से खेलते आ रहे थे, लेकिन अब समय नहीं मिल पाता था। जब जिम्मेदारियाँ सब चीज़ें हो जाती हैं तो समय नहीं मिल पाता, और अब समय निकल पा रहा है, लेकिन अब बस देख के ही आनंद उठा रहे हैं। और ये आनंद एक अलग मज़ा देता है। स्कोर 43 रन, 43 for 1, शट आउट प्रगति पर, मात्र 31 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। अगर आपको फाइनल के मैच, अगर एक फ्रेंडली मैच खेलने का मौका मिले तो खेलना चाहेंगे? बिल्कुल खेलना चाहूँगा, क्योंकि क्रिकेट तो हमारे रगों में बसा हुआ है, और बिल्कुल खेलना चाहूँगा मैं, क्योंकि बचपन से जिस गेम को हम इतना मतलब खेलते आ रहे हैं, अब समय के कमी के कारण हम खेल नहीं पाते हैं। विनोद भाई हैं, विनोद भाई समय समय पे टाइम निकालते हैं, और बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के कि वो हर चीज़ को समय देते हैं। अब समय देने की बात करूँ विनोद भाई को, तो सबसे पहले 7 बजे ग्राउंड में पहुँच जाते हैं और हम तब तक बैट नहीं छोड़ते हैं। तो वही है, समय तो खुद निकालना पड़ता है अगर आपको फिट रहना है, इसीलिए विनोद भाई आज तक फिट हैं। देखो विनोद जी, हमारे जो सहयोगी हैं वे एक दिन कह रहे हैं कि एक मैच ऑफिशियल का होना चाहिए, ऑर्बिटर नाइट का, इसमें आप मैच खेलेंगे एक मैच, तो उसमें लीडिंग तो आप ही करेंगे। और जैसे अब 40 की उम्र पे जाते जाते शायद आपका सिलेक्शन भी आईपीएल में हो रहा है, आप जैसे बता रहे हैं, तो बधाई है आपको उसके लिए भी। ये आईपीएल कमिश्नर के बाद इनका नंबर आने वाला है, नरेंद्र मोदी के पास, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, ये परवीन तांबे के बाद इनका सिलेक्शन होगा 40 साल के बाद, कह रहे हैं विनोद जी। विनोद जी कुछ चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इनके साथ काम करने बड़ा मजा आता है। मैं 30 शायद मैं दूसरे सीजन में देहरादून पे, और इससे पहले तो ऊपर से और कर चुका हूँ इनके साथ, चौथा शायद ये चौथा टूर्नामेंट है इनके साथ मेरा। बड़े लाजवाब इंसान है, फुल एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। तो यहाँ से अब चाहिए 86 बॉल पे 28 रन। आप कहाँ पे पहुंचे?
हाँ आगे आ जाओ पेलो जब पेल पुलिस चौकी पहुंच जाओगे आप पेलो नया गांव पेलो हाँ उससे थोड़ा सा आगे आएगा एक रास्ता उधर चले जाता है प्रेमनगर इधर सैदपुर के लिए इसी बीच एक शॉट पेट्रोल पंप आएगा पेट्रोल पंप दो मैच खेले मैंने एक मैच हम हार गए थे अपना मन एक वहाँ की टीम दूसरी तो दो मैच हार गए हम बाहर को आए नहीं तो उन्होंने कहा यार ये तो तुम सारे पौड़ी से एक मैच कौन खेल रहा इन्हें देखा अच्छा आज हमारे चीफ गेस्ट बिल्कुल बिल्कुल यार बहुत अच्छा लगा मेरे को तो बैठ छोड़ो हम बैठो स्पोर्ट्स इवेंट अब यहां में है कम से कम 15 तारीख तक तुम एक कवर हटाओ यार भाई बहुत अरे मैं हटा दूंगा यार बहुत गंदा लग रहा है यार छोटे बच्चों को आप भी बैठो मैं खींचता हूं हां तुम ले आ जाओ तुम तो खराब है तभी थोड़े पेट लेवल पर आ एक टीम ही बना लो ना खेलेंगे लास्ट टाइम हैंडल मैच खेलेंगे संडे का दिन क्या ग्राउंड संडे का दिन खेलेंगे सबसे बड़े और कुछ नहीं हम तुम कितना भगाओ बैठा दो मैच खेले कितने ओवर रात को रुकेंगे ना वो कल मुख्य अतिथि हमारे वहाँ अरे ये खत्म और मजा आता है ये तो हो जाता है 10-11 बजे हम तो सर मैंने भेज दी थी आपको लोकेशन तो सब ग्रुप में पहले ही है पेट्रोल पंप आता ना हाँ तो उससे अंदर आ जाओ बस हाँ तो उससे अंदर आ जाओ बस जो बिल्डिंग में नीला लगेगी ना उससे जब रिटर्न में खत्म यानी मैच होता है बोल के चल रहा है रोज इन वाला गाना क्रिकेट बैन हो वो वो इस दिन लोग की अधिकार इतना भी खराब हो रही है लोग के सारे पेपर के ना उस हालत डाउन हो रही है वैसा बात है और सही तो बोल रहा हूँ लियाना यार उसमें क्या दिक्कत है
दस बीघा में नहीं हो पाएगा, दस बीघा तो पड़ा ही है, मैंने बताया नहीं कि मैं चालू का देखते हैं आगे ना एक बार मात्र 17 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। पुश किया बहुत ही अच्छा शॉट फील्डर जाता दौड़ते हुए इसको स्टार्ट कर दो। मात्र 8 रन की आवश्यकता। मात्र 8 रन की आवश्यकता जीतने के लिए। मात्र औपचारिकता ही शेष। और औपचारिकता ही शेष है। मैच अपनी छोली में डालते हुए IRDE की टीम पक्का बॉल था, खूबसूरत स्क्वायर कट, बॉल सीमा के बाहर 4 रनों के लिए। मात्र 3 रन चाहिए। बढ़िया बॉल और ये एक विकेट आर आउट। फ्लाइटेड बॉल थी, बैट का बहुत ही फाइन कैच। ये इसको सामने वाली टीम का रहता सही चलता होगा पूरे 20 ओवर लेकिन 1 घंटे मात्र 3 का आवश्यकता।
माँ तो आप चाहिए था इसे तीन दिन चाहिए पुश किया देखते हैं मात्र दो रन चाहिए तो देखते हैं आईआरडी की टीम किस तरह से मैच को समाप्त करना चाहेगी चौके के साथ या छक्के के साथ या सिंगल या डबल के साथ ये एक क्वेश्चन मार्क है तो ट्रेड मार्क होता है चौके या छक्के के साथ मैच खत्म करें अभी भी कुछ भी कहें सचिवालय के पास एक बात तो है अंत में भी मैच को लूज नहीं लिया उन्होंने हालांकि एक्स्ट्रास काफी दिए लेकिन जज्बा पूरा है उनके ऊपर अपने कंधे डाउन नहीं किए उन्होंने बिल्कुल भी छोटा स्कोर था लेकिन अच्छा फाइट बैक किया और ये देखिए पूरी कोशिश की छक्के के साथ खत्म करें लेकिन आश्चर्य से मैच को जीत लिया है We could just run the red lights. There ain't no reason to stay. We'll be light years away. We could just run the red lights. We could just run the red lights. दोनों टीमें मैच के सामने आ जाएंगी कमेंट्री मैच के सामने आ जाएंगी इसमें कि सचिवालय वॉरियर्स और आईआरडी की दोनों टीमें आईआरडी की टीम ने यह मैच 7 विकेटों से जीता पहले बल्लेबाजी करते हुए सचिवालय की टीम मात्र 73 रन पर ऑल आउट हो गई और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेटों से मैच को जीता आईआरडी की टीम ने और जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था अशोक बेटवाल का जिन्होंने की इस मैच में हैट्रिक के साथ साथ 4 विकेट अपने नाम पर की 3 ओवर 1 मैडम 20 रन और 4 विकेट अपने नाम पर की काफी अच्छा परफॉर्मेंस द्वारा रहा मेरा रिक्वेस्ट रहेगी सचिवालय वॉरियर्स के खिलाड़ियों से आप भी मैच के सामने आ जाएंगे जिससे कि प्राइस सेरेमनी जो होनी है वो पूर्ण की जा सके हिमालय कप 2022 का आज अच्छा 5वां दिन जिसमें कि मैच आईआरडी और सचिवालय वॉरियर्स के मध्य मैच खेला गया पहले सचिवालय वॉरियर्स ने खेलते हुए मात्र 73 रन बनाए जिसमें कि मात्र 73 रन पर ऑल आउट किया सचिवालय वॉरियर्स को काफी अच्छी गेंदबाजी और पूरे मैच में जो आकर्षण का केंद्र बने रहे वो अशोक बेटवाल रहे अच्छी बॉलिंग
के साथ साथ बड़ा कसी हुई गेंदबाजी के द्वारा की गई थी। मैं सचिवालय वार्ड से समस्त खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि वह कमेंट्री मैच में आ जाए। सबसे पहले सचिवालय वार्ड के जो कप्तान है राकेश मेहर, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मैच से आ जाए। मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले विनोद जी से कि वो दस कप्तान के रूप में ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे और आपका बहुत जल्दी प्रमोशन भी होने वाला है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। खेल के साथ साथ आपका प्रमोशन भी हो रहा सर, और आज का मैच आपके लिए काफी टफ रहा, तो मैं जानना चाहूंगा काफी समय बाद आपने वापसी की, बहुत टाइम बाद आप खेल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जहां तक महसूस करने वाली बात, तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें आनंद ही आता है, वो मैं हूं या कोई भी हो जिसका थोड़ा भी लगाव क्रिकेट के साथ होगा उसको, वो मैच खेले या ना खेले, चाहे वो दर्शक की भूमिका में हो, आप मनोरंजित आनंदित और अनुभूतित महसूस करते हैं। दूसरी बात, जहां तक मैच की आज की बात कहे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी टीम ने खराब खेला, मैं ये कहना चाहूंगा कि सामने वाली टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी की। तो उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पिच अनइवन तरीके से खेल रही थी शुरू में, हमें इस पिच का आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे कि, और दूसरी बात है कि अभी जो पिच है वो पूरा सूखा हुआ है, सुबह जो पिच था पूरा ग्रीनरी टाइप का लग रहा था, और शायद कहीं ना कहीं हल्का सा जो नमी रहती है वो भी उस समय थी और बादल उस समय थे, तो इस वजह से मुझे लगता है कि हम थोड़ा वीक हो गए, और हमारे जो बल्लेबाज थे उसमें मैं भी हूँ, हम लोग जो थे वो पूरा का पूरा ये लेके चल रहे थे कि हाँ 150 या 160-170 के आसपास हम टारगेट ले जाएं, उस वजह से हम जल्दबाजी कर गए और हम अपने विकेटों का पतन कर गए, तो वो भी एक कारण रहा कि हम लो स्कोर पर रुक गए। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप प्रशासनिक पद पर हैं, कोरोना काल सबने देखा, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आपसे, आप जो सभी आपको देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे खेल के माध्यम से, आप क्या मैसेज सभी को देना चाहेंगे? खेल के माध्यम से तो मैं पहले बाद में देना चाहूँगा, पहले जैसा कि विनोद भाई को पता है, मेरे टीममेट को पता है कि मेरे कोरोना काल पे मुझे एंजाइटी हो गई थी, तो मुझे एक्चुअली में लिखने की आदत है, तो लिखने के टाइम पे मैंने कई कविताओं का सृजन किया है जो कि मेरे उसमें फेसबुक में भी है, मेरा यूट्यूब चैनल है रासो फिल्म, जिसमें मेरे गढ़वाली गीत हैं रासो उसमें है, नंदलाला उसमें है, और बैडमिंटन पे भी हमारे सचिवालय क्रिकेट बैडमिंटन क्लब है, उन्होंने आग्रह किया था कि आप एक गाना बैडमिंटन पे लिखे, तो मैंने बैडमिंटन पे भी गीत लिखा है, और उसको जितने भी बैडमिंटन क्लब के पदाधिकारी थे हमारे अंडर सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी लोग, उन लोगों को उसमें एक्ट करने का हमने मौका दिया था, तो कई हैं ऐसे कविताएं मैंने कहीं ज़्यादा लिखी, क्योंकि मैं एक्चुअली में एंजाइटी का मरीज रह चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा याद कम है, नहीं तो मैं 2-4 पंक्तियाँ आपको जरूर सुनाता कोरोना काल में, जितने भी कविताएं मैंने कोरोना से संबंधित और सामाजिकता से संबंधित, महिला सशक्तिकरण से संबंधित और नशा मुक्ति संबंधित जितनी भी कविताएं लिखी थी वो आप लोगों को जरूर सुनाता, लेकिन मैं थोड़ा अभी एकदम से याद नहीं आ पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आगे के मैच में बहुत बहुत बधाई सब पहले, और आशा करते हैं कि आप जो अगले मैच में आएंगे तो कविताएं जरूर हमको सुनाएंगे। जी जरूर, और मैं विनिंग टीम को हार्दिक बधाइयां देता हूं, बहुत शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया उन लोगों ने, और साथ में जो बल्लेबाजी जिस तरीके से कर रहे थे ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि 200 रन का पीछा कर रहे हैं, तो मैं उनको बेहतरीन खेल के लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में शुभकामनाएं देता हूं हमारे विनोद भाई जो कि काफी मैं अगर कहूं कि एक जिसे कहते हैं वास्तविक कीड़ा जो उनके अंदर है क्रिकेट के प्रति, वो उसको मैं सलाम करता हूं, और मुझे लगता है कि सभी को सलाम करना चाहिए, और इसी बीच हमारे डेंजर के कप्तान राकेश जोशी यहां पर पहुंच चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, हमारे अग्रज हैं, हमारे सीनियर प्लेयर हैं और हमारे पथ प्रदर्शक भी हैं, और मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं अगले मैच के लिए जो होने जा रहा है। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है, आकर्षण का केंद्र है, सबको पता है इस मैच के कौन हीरो हैं, तो थोड़ा सा शायद फोटो सेशन हो रहा है, थैंक यू। तो इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है अशोक गोलवाल, 3 ओवर 1 मैडम 20 रन 4 विकेट, और इसमें हैट्रिक भी इनके नाम पर है, मैं जिसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा।
अशोक जी बधाइयां आपको, हैट्रिक आपने आज ली है, तो सबसे पहले तो आपको बधाइयां, और जानना चाहूंगा कि पिच से कितनी मदद एक गेंदबाज को है। हेलो सर, कहने का मतलब यह है मेरा कि टीम कोई अच्छी ना कोई बुरी होती है, हर एक टीम अपने फुल स्ट्रेंथ से आती है, और जैसे ही क्रिकेट में कहा जाता है क्रिकेट इज बाई चांस बाई लक, वो हो सकता है कि आज हमारे फेवर में रहा हो, इसलिए आज हमें विन पाती है। एक चीज और, आपकी एज जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था 58 साल की है, उसके बाद भी आप इतना बढ़िया खेल पा रहे हैं, जो यंग जनरेशन है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे तो इन लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है, इनको देख के मैं आगे बढ़ता हूँ। और जो प्रतियोगिता अभी स्टार्ट हुई है, पहला मैच था, तो क्या कहना चाहेंगे आयोजन के बारे में? बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं बहुत बहुत अच्छा आयोजन था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आगे के मैच के लिए बता रहे हैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे अशोक गुजराल इस मैच के मनोज मैच, अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मैच फिर आपके सामने मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे है।